हिसार जिले गांव सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में कोविड के काफी मामले सामने आए हैं व कई लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। कांग्रेसी नेता व ग्रामीण सरकार से सुविधाएं ना मिलने के कारण असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया है, वहीं दवाइयों की किट भी वितरित की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के चलते जिले में सबसे अधिक प्रभावित गांव सिसाई में कांग्रेस ने विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खेवाल और पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, तेलू राम जागड़, आनंद जाखड़, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, टैक्स ट्रिब्यून के पूर्व न्यायिक सदस्य चंद्र हर्ष, संगीता सिहाग, हरिकृष्ण वीरेंद्र, सेलवाल साहिल, लाडूना हरकेश राम, मास्टर रणवीर सुभाष और महेंद्र जेपी सुनील, अनु प्रजापति, बलदेव प्रजापति व होशियारा लोहार महेंद्र रोहिल्ला, पप्पू सरपंच और बलजीत सिंह, भाग राम सूरज भान, महावीर पंडित करमवीर वाल्मीकि और बारू राम दलवीर, जितेंद्र सिहाग, कुलदीप सिंह, सीताराम कृष्ण खरब, हवा सिंह, रामकिशन बलवंत दिलबाग और राजकुमार बलवान सिंह, चंद्र मिस्त्री, सुरेश सिहाग बलवान, सिहाग करमवीर सहित अन्य ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी के निर्देशानुसार हम उन गांवों को आइडेंटिफाई करके जिन गांवों में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, जो अति संवेदनशील गांव है, उनको आइडेंटिफाई करके हम वहां सैनिटाइज करवा रहे हैं और साथ में मेडिकल किट बांट रहे हैं। उसके अलावा जो जरूरत की सामग्री है वो भी हम वितरित कर रहे हैं। जैसा कि कल ही बहन कुमारी सैलजा जी ने हमें निर्देश दिए कि सिसाए गाँव के अंदर मृत्यु का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ संक्रमण से बहुत ही यहाँ ग्रसित है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे जितने भी हैं, वो सभी आज यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ करीब 26-27 ट्रैक्टरों के साथ एक साथ यहाँ पे पूरे गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके अलावा अभी हम गांव में जो बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, वहां भी हम फल फूल जो भी जरूरत की सामग्री है वो भी हम वितरित करके आएंगे। इसके अलावा बहन कुमारी सैलजा जी ने एक मेडिकल किट बनवाई है जिसके अंदर पैरासीटामोल, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और जिंक, जो कि कोरोना से जो पीड़ित नहीं है लोग, लेकिन वो कमजोरी फील कर रहे हैं, उनको सही ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा, लॉकडाउन के लिए काम धंधे खत्म हो गए हैं, उनको हम ये देंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और वो संक्रमण से ग्रसित ना हो। इसलिए हम ये किट भी आज बांट रहे हैं ताकि ये जो बीमारी है उन लोगों में, गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में ना फैले। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि गांव के लोगों ने भी बताया हमें कि यहाँ हमने दो आइसोलेशन सेंटर बनाए थे अपने लेवल पर, लेकिन सरकार ने उसमें सुविधाएं नहीं दी, इस वजह से भी हमारा मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा। वहाँ प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा ये जो काम हम कर रहे हैं, जो विपक्ष जो काम कर रहे हैं कर रहा है, ये काम सरकार का होता है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान के तहत हर गरीब आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटी है। इसीलिए विपक्ष ने ये जिम्मेवारी संभाली है और आम आदमी तक पहुंच करके उनको जरूरत की सामग्री पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हमने पहले देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी फरवरी के महीने में जिस तरह से वाई लूट रहे थे, खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे थे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बाकायदा रेजुलेशन पास करके प्रधानमंत्री का धन्यवाद, उनको प्रशंसा पत्र जारी किया जा रहा था। ये बड़ी दुख की बात है कि उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि आने वाला समय एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर के आने वाला है, जबकि माननीय राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसको सीरियसली नहीं ले रही है और ये संक्रमण इस देश में बहुत बुरी त्रासदी लेकर के आएगा, और वो सच साबित हुआ। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वाई लूट रहे थे, वो आज बगले झांक रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये हमारी व्यवस्था का ही की देन है कि आज ये लोग बेचारे पीड़ित लोग, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिनको या बेड नहीं मिल रहे, जिनको दवाइयां भी सही रेट पर नहीं मिल रही, इतनी ब्लैक मार्केटिंग फैली हुई है, इतना हालात बुरी आज देश की, तो ये आज वो
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, जबकि उनकी ये ड्यूटी बनती है, ये कानूनी रूप से उनकी ड्यूटी बनती है, वो अपनी कर्तव्य से भागे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कमान संभाली। यहाँ 26 ट्रैक्टर तो ये हमने अभी रवाना किए और उसके अलावा भी कुछ ट्रैक्टर और भी आ रहे हैं, 6 ट्रैक्टर और आ रहे हैं अभी, तो यहाँ काफी बड़ा आंकड़ा ये होने वाला है। क्योंकि हमारा भी जो मकसद था ये था कि यहाँ जो हवा में संक्रमण फैला हुआ, जो ये मेडिसिन है जो बहन जी ने भेजी है, ये हिमाचल से बद्दी से ये आई है, ये हवा में जो संक्रमण है उसको नष्ट करने के ये लिए कारगर साबित हुई है। पहले भी हमने कई गांव जो बड़े अति संवेदनशील थे हमने वहाँ छिड़काव किया और उसके बाद मौत का जो सिलसिला था वो बंद हुआ, इसीलिए हमने एकदम से ये सैनिटाइज करेंगे ताकि इस गांव को पूरी तरह से राहत मिल सके। बड़ा नहीं है, छुपाया जा रहा है और इतना ज़्यादा छुपाया जा रहा है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने खुद कुछ गाँव के आंकड़े खुद देखे जा कर के, जहाँ 30-30 मौत हुई है और वो उनके जो सिम्टम थे वो कोविड के थे, और जबकि सरकारी आंकड़ा वहाँ बताता है कि 3-4 मौत हुई है। ये हालात आज देश की, आंकड़ा छुपाया जा रहा है, सरकार जानबूझ करके आंकड़े को नहीं दे रही, इसके अलावा लोग भी डर के मारे हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे, वो ये समझ रहे हैं कि अस्पतालों में हमें सही प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बेड की कमी है, लोग घरों में ही अपना उपचार करते हैं और उपचार के दौरान बिना टेस्टिंग के वो उनकी डेथ हो जाती है, जो कि किसी भी आंकड़े में, किसी भी सरकारी आंकड़े में वो शामिल नहीं होते। वास्तविकता ये होती है कि वो कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है। ये गाँव वैसे नारायणगढ़ के में आता है और मैं हमारे साथी जो हैं अतर सिंह सैनी जी है, सुभाष गोयल जी है, आनंद जाखड़ है और हमारे जो प्रकाशी रहे पंगाड़ साहब भी हैं, तो हमारे नज़दीक लगता था इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई। ये बलजीत जो यहाँ से प्रकाशी रहे हैं उसका मकान है, यहाँ पर ट्रैक्टरों के वॉलंटरी हमने सब ने मिल करके टीम तैयार की है और वो सैनिटाइजर दिख रहे हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है ये। प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि अगर सर्वदलीय बैठक बुला ले तो हम आपका सहयोग करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो स्वयं शैलजा जी ने अपने खर्चे से हमारे भी ये सैनिटाइजेशन का, मास्क वितरण का, किट का जो हम आज बांटने जा रहे हैं, ये सारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अपनी खुद स्वयं अपने खर्चे पर प्रदान कर रही है और हम उन पैक उसको बांट रहे हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि बस अगर विपक्ष सहयोग दे तो मैं तैयार हूँ, तो ये दोहरा मापदंड किस लिए? और ये अगर दूसरी लहर का अगर ये प्रबंध करते, मैनेजमेंट इवेंट्स नहीं करते, तो दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता था। अब जिस प्रकार से इनकी जो वैक्सीनेशन है 18+ की, 18+ के जो ना 50,000 टीके आज बाकी हैं, हरियाणा की 2,86,00,000 जनता है, उसमें से 19% लोगों को एक डोज लगी है, 4% लोगों को दूसरी डोज लगी है, और ये जो प्लस 45 के ऊपर जो टीके हैं उनका वैक्सीनेशन खत्म है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से लोग मर रहे हैं, उनकी तो इलाज ही नहीं, यहाँ काफी हुई है, इसलिए इस उस गांव का हम चुनाव करते हैं जहाँ पर कोरोना महामारी ज्यादा फैली हुई है। तो इसलिए इस गांव में ये जो किट भी बांटेंगे, सैनिटाइजेशन भी करेंगे सारा गांव का, ताकि बीमारी के ऊपर थोड़ा बहुत कोई भी आदमी, मैंने देखा कई किसी भाजपा के विधायक चर मास्क बांधी का मोटरसाइकिल दे दिए, रिक्शा वाले उसको दे दिया, फोटो करवाए पार बोल ले। हमने देखिए यार कितने साथी खड़े हैं कांग्रेस के, सारे ये कार्यकुशलता से लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए। इस तरह स्थिति इसीलिए है कि उनके पास ये सुविधा ही नहीं थी, ना बेल्ट थी, ना ऑक्सीजन था, ये वो और उसमें इवेंट्स मैनेजमेंट में लग रहे, दूसरी तैयारी का वैज्ञानिकों ने कह दिया था, अब तीसरी लहर के बारे में कह रहे हैं। ये तो एक बड़े शर्म की बात है, अगर इनकी तैयारी होती तो ये अस्थायी अस्पताल का निर्माण नहीं किया जाता, घोषणा कर दी 500 बेड है, सिर्फ बेड में ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, तो क्यों आडंबर कर रहे हैं? दूसरे किसानों को बदनाम करने के लिए तो कोविड सेंटर का विरोध कर रहे हैं, तो जाने बूझ करके किसानों के साथ ये करने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए यहाँ आए। करता हूँ ये जो ये कोरोना महामारी जो सेकेंड वेव आई है इसके अंतर्गत बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं बहन कुमारी शैलजा जी, ये समय समय पर भिन्न भिन्न गाँव से और इनके पास सोशल मीडिया से और इनका एक जो अपना सोशल नेटवर्क है उसके माध्यम से समाचार मिलते रहते हैं कि किसी गांव में
या किसी खास पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर ये फिर अपने निर्देश दे देते हैं। और बहन जी ने एक किट तैयार करवाई है, मेडिकल किट, उसके अंदर पैरासीटामोल, विटामिन सी, चैनल ब्लॉकर और जिंक, इस टाइप के जो इम्यूनिटी बूस्टर टाइप हैं, मास्क, डिटॉल, साबुन, सैनिटाइजर वगैरह, तो इस तरह से किट तैयार भी करवाई है। और एक स्पेशल मतलब के हिमाचल बद्दी से इन्होंने सैनिटाइजेशन के लिए अलग से एक अपना वो जो होता है वो भी तैयार करवाया है। और अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि भाई जहाँ भी उनका आदेश हो वो वहाँ पहुँचे और सैनिटाइजेशन का काम मैसिव रूम में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से निजात पाई जा सके। तो आज सिसाई गांव में गए थे तो सिसाई गांव में क्योंकि समाचार था कि लगभग 80 से ज़्यादा अधिक मौतें हो चुकी हैं और बहुत बड़ा गांव है और काफ़ी वहाँ पर ये महामारी बहुत विस्तृत रूप में फैली हुई है, तो इसलिए वहाँ पर ये इसका आज का जो ये था जिसमें सैनिटाइजेशन और मेडिकल किट का वितरण वगैरह ये कार्य आज वहाँ किया। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज अभियान है कि हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में सैनिटाइज किया जाए, तो सारी कांग्रेस के सारे नेतागण सभी आज सैनिटाइज के लिए आए हुए हैं। कम से कम भी 25 के लगभग 24-25 ट्रैक्टर हैं, गली गली में आज सैनिटाइज करेंगे। लेकिन हमारे जो यहाँ बलजीत सियाग जी हमारे मित्र, उनके भतीजे RK राम जी और उनकी पूरी टीम, अनूप है और हैं सारे जितने साथी हैं, सब ने ला के गाँव एक बार सैनिटाइज पहले कर चुके हैं। आज पार्टी की तरफ से अभियान था तो पार्टी कर रही है, उन्होंने पूरे गांव में 4 क्विंटल देसी घी इकट्ठा करके उसकी गूगल धूप बना के धूप के पूरे गांव में घर घर में धूप की है 11 दिन तक। गांव में किसी बात का भी कोई गैस सिलेंडर की ज़रूरत होती, कोई इंजेक्टर की ज़रूरत होती तो RK राम जी रात को 11-12 बजे तक भी गाड़ी लेके भाग के जाते थे, हम इनको सिलेंडर प्रोवाइड करते। 1,000-1,500 मास्क ला रखे हैं वो बांटेंगे, किट हैं जो हमें की किट हैं वो बांटेंगे, मास्क हैं और 25 के लगभग ट्रैक्टर वो सैनिटाइज करेंगे आज पूरे गांव, पूरे गांव। सेट प्लस तो कोरोना में रिकॉर्ड में चढ़ रहे हैं और 80+ गांव में मर लिए, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी थे छोटे भी थे। सरकार तो मांग करी, सरकार ने कोई मदद नहीं करी जी। फिर हमने अखबार में कटवाई तो एक बार यार SDM, CMO और ST साहब आए थे, उन पर मतलब गांव ने कोरोना ये कोविड सेंटर की मांग करी, लिया हाँ हमें दे देंगे तो हमें जगह दे दो। बलजीत सिया की बैठक में लुगाइयाँ प्रोग्राम कर दिया, एक कुम्हारा ही चौपाल है उसमें आदमियाँ कराया, साथ में लागें जी। खाट गाँव वाले ने खाट इकट्ठी कर दी, सफाई सफुई कर दी, सैनिटाइजर छिड़क दिया। फिर गवर्नमेंट की तरफ तक कुछ न्याज ना, उड़े डॉक्टर आए ना, कोई दवाई आई ना सिलेंडर आए। सरकार पर मांग कर लीजिए, सरकार तो मांग पूरी कर दिए को नहीं, हमने तो मांगना है छोड़ दिया उसको। तो हॉस्पिटल जानी CMO आ लिया उस पर मतलब अस्पताल का स्टाफ पे पूरा नहीं होया, आज भी को नहीं हो रहा। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।